10 लाख रुपए तक की रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस कितनी लगेगी दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, आपने हमारी अभी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने बताया था कि सेक्शन 234F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपए से यदि आपकी ज्यादा इनकम होती है, आप अपनी आईटीआर में शो करते हैं, तो आपको 5,000 रुपए की लेट फीस पे करनी होगी। परंतु आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप 10 लाख रुपए तक की रिटर्न फाइल करेंगे तो उस केस में भी आपको सिर्फ 1,000 रुपए की लेट फाइलिंग फीस देनी होगी, ना कि 5,000 रुपए। वो कैसे पॉसिबल है दोस्तों, इसके बारे में हम अभी आपको बात बताएंगे। आप देख भी पा रहे होंगे जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, ये एक मैंने टैक्स की कैलकुलेशन बनाई हुई है, कंपटीशन ऑफ टैक्स है, जिसमें है फीस पेबल अंडर सेक्शन 234F इज 1,000 ओनली। तो दोस्तों, इस बात को जानने के लिए कि 10 लाख रुपए की इनकम पर मुझे 5,000 रुपए की जगह सिर्फ 1,000 रुपए ही लेट फीस क्यों पे करनी है, उससे पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, आप हमारे वीडियोज को देखते हैं, देखने के साथ साथ यदि आप हमें कमेंट भी करते हैं तो आप जीत सकते हैं मोस्ट एक्टिव व्यूअर ऑफ द मंथ का अवार्ड। दोस्तों, वो कैसे जीत सकते हैं? वो ऐसे दोस्तों कि वीडियो के बीच में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और जो भी व्यूअर उस सवाल का सही जवाब देगा उसे मोस्ट एक्टिव व्यूअर की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। इसी प्रकार हमारे जितने भी वीडियोज आएंगे इन फ्यूचर, उन सभी में एक क्वेश्चन होगा जिस व्यूअर के सबसे ज्यादा सही सवाल होंगे। जी हाँ, यदि आपके उन वीडियोज में सबसे ज्यादा सही सवालों के जवाब होंगे तो आप बन सकते हैं मोस्ट एक्टिव व्यूअर ऑफ द मंथ। और जो व्यक्ति मोस्ट एक्टिव व्यूअर ऑफ द मंथ बनेगा उसे श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि बीच में हम कभी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं आपसे और हमारे सभी सवालों का कमेंट बॉक्स में सही सही जवाब दीजिए और जीतिए सरप्राइज गिफ्ट। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं फिर से अपने पॉइंट पर। हमारा क्वेश्चन है कि जी 10 लाख रुपए तक की इनकम पर मुझे 5,000 रुपए की जगह सिर्फ 1,000 रुपए लेट फाइलिंग फीस कैसे देनी होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप कहेंगे नहीं सर, ये तो आप 5,000 रुपए यहां पर आप को दिखाई दे रहा होगा, टोटल इनकम 5 लाख रुपए है तो मैं 1,000 रुपए दे रहा हूं। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि मेरी जो बिजनेस इनकम है या जो मेरी इनकम है वो 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए है। अब वो कैसे है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये एक मैंने एक डमी अकाउंट बनाया हुआ है और ये आप यहां पे देखिए मेरी बिजनेस एंड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना है, काउंट कीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कि और 10 लाख यानी कि 10 लाख रुपए मेरी इनकम कितनी आ रही है दोस्तों, 10 लाख रुपए मैं इनकम अपनी शो कर रहा हूं 10 लाख रुपए और मैं लेट फीस कितनी दे रहा हूं 1,000 रुपए। वो कैसे दोस्तों? दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि सेक्शन 234F में लिखा हुआ है कि यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको पे करनी होगी 5,000 रुपए की पेनल्टी। लेकिन दोस्तों, आपको किसी ने ये बात नहीं बताया कि 5 लाख रुपए की इनकम नेट टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब आप यहीं पे देखिए, सपोज मेरा अपना एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है जिसमें मैंने हाउसिंग लोन ले रखा है और मैं उस पे 2 लाख रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट पे करता हूं। आपको पता है कि सेक्शन 224B के अंदर आपको 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। तो सपोज मेरे बिजनेस से इनकम मेरी 10 लाख रुपए की हुई और मेरी हाउस प्रॉपर्टी से मैं 2 लाख रुपए की छूट लेता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे इस छूट का बेनिफिट मिलने जा रहा है। और क्या है, 10 लाख में से चलिए 2 लाख घट गए, 8 लाख रुपए रह गए। अब जरा और आइए दोस्तों, थोड़ा सा हम और नीचे देखते हैं। सपोज मेरे को सेविंग से इंटरेस्ट भी मिलता है, इंटरेस्ट मुझे मिला 10,000 रुपए का, आपको मालूम है वो सेक्शन TTA के अंदर आपको 10,000 रुपए की छूट भी मिल जाती है। तो मेरी 10 लाख रुपए की मेरी बिजनेस इनकम, मेरी 1,000 रुपए का मेरा इंटरेस्ट इनकम, सॉरी 10,000 रुपए की मेरी इंटरेस्ट इनकम, इसमें से मुझे हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस हुआ था 2 लाख रुपए का वो मैंने एडजस्ट कर लिया। अब मेरी जो टोटल इनकम बन गई 8,10,000 रुपए। अब इसके बाद में मैं चैप्टर 6A की डिडक्शंस को क्लेम कर रहा हूं। सेक्शन
एटीसी में मैं 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकता हूं। मैंने 1.5 लाख रुपए मैंने एटीसी में डिपॉजिट किए, नॉर्मली हर आदमी करता भी है। एटीसीसीडी में जो आपका एनपीएस होता है उसमें 50,000 रुपए तक की छूट अलाउड है, 50,000 रुपए की छूट मैंने वो भी क्लेम की दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों मैं हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, सपोज अगर मैं सीनियर सिटीजन हूं तो उस केस में तो मुझे 1 लाख रुपए तक की छूट मिल जाएगी, पेरेंट्स के केस में भी मिल जाएगी मुझको, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए की, और टीटीए में मैंने 10,000 रुपए की छूट ली। तो टोटल मिला के मैंने 3,10,000 रुपए की छूट ले ली। अब 3,10,000 की मैं 8,10,000 में से घटाता हूं तो मेरी टोटल इनकम बनती है 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए पर जो हमारा कंपटीशन ऑफ इनकम बनता है, कंपटीशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम बनता है, तो 2.5 लाख रुपए तक आपको पता है कोई आपको टैक्स नहीं देना, और 2.5 लाख से 5 लाख रुपए पर आपको देना है 5%, 12,500। लेकिन चूंकि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको छूट मिल जाती है सेक्शन 87A में, तो आपको छूट मिली 12,500 रुपए की पूरी, और आपके लेट फाइलिंग फीस लगी सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपकी इनकम थी 10 लाख रुपए की, लेकिन आपको जो छूट मिली है, सॉरी जो आपको जो लेट फाइलिंग फीस पे करनी पड़ रही है, 1,000 रुपए पे करनी होगी, ना कि 5,000 रुपए। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि जी आपके ऊपर लेट फाइलिंग फीस कितनी लगनी है, यार मेरी इनकम भी 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में क्या मेरे ऊपर इनकम क्या करते हैं, जो मेरी लेट फाइलिंग फीस है वो मेरी 5,000 रुपए लगेगी, तो ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों हमारा सवाल जो आपसे हमने शुरू में बताया था, सवाल है आपका कि यदि आपकी इनकम 40 लाख रुपए है तो आपको कितनी लेट फाइलिंग फीस देनी होगी, और आपके ऑप्शन है 1,000 रुपए, 5,000 रुपए या 10,000 रुपए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि आपको 10 लाख रुपए तक इस केस में कोई भी लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी है, तो जब भी आप अपनी लेट फाइलिंग फीस की कैलकुलेशन करेंगे तो आप अपनी सारी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और साथ ही डिडक्शंस को भी क्लेम करेंगे, जो नेट आपकी इनकम होगी आपको लेट फाइलिंग फीस उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।